नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। एक दिन पार्वती की बूढ़ी दादी ने कहा, पार्वती ने अब 13वें वर्ष में कदम रख दिया है, इसके ब्याह की कुछ फिक्र करो। इस अवस्था में वैसे भी शारीरिक सौंदर्य न जाने कहां से दौड़ता हुआ आ पहुंचता है और किशोरी के सर्वांग में छा जाता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चौंक कर देखते हैं कि हमारी छोटी लड़की अब सयानी हो गई है। उस समय उसके लिए वर ठीक करने की फिक्र उन्हें सताने लगती है। चक्रवर्ती बाबू के यहाँ भी कई दिनों से इसी बात पर चर्चा हो रही है। पार्वती की माँ बहुत ही चिंतित है। वो बात बात में अपनी पति को सुनाकर कहती है कि अब पार्वती को घर में रखा नहीं जा सकता। चक्रवर्ती बाबू बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन संतोष की बात यह थी कि उनकी कन्या बहुत सुंदर थी। वे समझते थे कि अगर संसार में रूप की कोई मर्यादा या कदर है, तो फिर पार्वती के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात और भी है, वो भी यहां बता दी जाए। चक्रवर्ती परिवार में इससे पहले कन्या के विवाह के समय इतनी चिंता नहीं करनी पड़ी थी। हाँ, पुत्र के विवाह में अवश्य चिंता करनी पड़ती थी। ये लोग कन्या के विवाह के समय धन लेते थे और विवाह में वही धन देकर बहू को घर ले आते थे। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी कन्या के समय धन लिया था, लेकिन स्वयं नीलकंठ इस प्रथा से बहुत घृणा करते थे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करें। पार्वती की माँ भी ये बात जानती थी, इसलिए वो अपने स्वामी से पार्वती के लिए तगादा करती रहती थी। पार्वती की माँ ने अपने मन में एक दुराशा भी पाल रखी थी। उसने सोच रखा था कि किसी तरकीब से देवदास के साथ पार्वती का विवाह किया जा सकता है। उसे ये समझ में नहीं आता था कि देवदास के कुल और परिवार को देखते हुए ये असंभव ही था। वो सोचती थी कि अगर देवदास से अनुरोध किया जाएगा तो शायद इसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। ऐसा जान पड़ता है कि इसी कारण एक दिन पारो की दादी ने बातों ही बातों में देवदास की माँ से इस तरह का जिक्र छेड़ दिया। बहू, देवदास में और हमारी पार्वती में कितना स्नेह है, ऐसा स्नेह और कहीं नहीं दिखाई देता, देवदास की माँ ने कहा। चाची, भला उन दोनों में स्नेह क्यों ना होगा, दोनों ही भाई बहन की तरह एक साथ पलकर सयाने हुए हैं। हाँ बेटी, इसीलिए तो ख्याल होता है कि अगर दोनों का देखो ना बहू, जब देवदास कलकत्ता गया था तब हमारी बच्ची केवल 8 वर्ष की थी, लेकिन उसी उम्र में वो देव के वियोग में मानो सूख कर कांटा हो गई थी, हम सभी जानते हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब बातें समझ ली। वो कुछ हंसी। ये तो नहीं मालूम कि उसकी हंसी में कितना उपहास छिपा हुआ था, लेकिन पीड़ा निश्चय ही बहुत थी। वो सब बातें जानती थी और पार्वती को प्यार भी करती थी, लेकिन वो कन्याओं को खरीदने बेचने वाले घर की लड़की थी, और फिर घर के पास ही संधियाना, ऐसा वैवाहिक संबंध उचित नहीं। वो बोली, चाची, हमारे तुम्हारे जमाने की बात और थी, लेकिन अब तो, और फिर घर के मालिक की जरा भी इच्छा नहीं है कि इस छोटी उम्र में, जो अधिकतर लिखने पढ़ने का समय है, देवदास का विवाह करें। आजकल वे मुझसे कहा करते हैं कि छोटी अवस्था में ही बड़े लड़के द्विजदास का विवाह करके कितना बड़ा अनर्थ किया गया है, उसकी लिखाई पढ़ाई कुछ भी नहीं हो सकी। पार्वती की दादी का मुंह फीका पड़ गया, फिर भी उसने साहस करके कहा, बहू, ये सब तो मैं भी जानती हूं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि पारो पर षष्ठी देवी की कृपा है। एक तो यूं ही वो कुछ बढ़ गई है और उसका शारीरिक गठन भी कुछ ऐसा है कि वो अधिक सयानी जान पड़ती है, इसलिए अगर नारायण की इच्छा हो। देवदास की मां ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, नहीं चाची, ये बात मैं उनसे नहीं कह सकूंगी। अगर इस समय मैं देवदास के ब्याह की बात चलाऊंगी तो क्या वे मेरी बात पर कान धरेंगे? बात यहीं तक होकर दब गई, लेकिन स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। जब देवदास के पिता भोजन करने बैठे, तब देवदास की मां ने उनके सामने ये बात चलाकर कहा, पार्वती की दादी ने आज उसके ब्याह की बात छेड़ी थी। देवदास के पिता ने सिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ हाँ, अब पार्वती सयानी हो गई है, जल्दी ही उसका ब्याह कर देना उचित है। तभी तो आज बात चलने पर उसकी दादी ने कहा कि अगर देवदास के साथ। स्वामी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुमने क्या कहा? मैं और क्या कहती, दोनों में बहुत ही स्नेह है, लेकिन क्या इसलिए खरीदने बेचने वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की अपने घर में ला सकती हूं, और फिर घर के पास ही समधियाना, छी छी। स्वामी संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, ठीक ही तो है, क्या हम अपने कुल की हंसी कराएंगे? तुम इन सब बातों पर कान मत धरना। गृहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं कान नहीं धरती, लेकिन देखो तुम भी कहीं भूल ना जाना। स्वामी ने भात का कौर उठाकर गंभीर मुख से कहा,
अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी न जाने कब की उड़ गई होती। जब ये प्रस्ताव पूरी तरह ठुकराए जाने के बाद नीलकंठ बाबू के कानों तक पहुंचा, तब उन्होंने अपनी मां को बुलाकर तिरस्कार के साथ कहा, मां भला तुम ऐसी बात क्यों कहने गई थी। मां चुप रही। नीलकंठ कहने लगे, लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पड़ने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बहुत से लोग आकर हमारे ही पैर पड़ेंगे। हमारी लड़की कुरूप नहीं है। देखो मैं तुम लोगों से कह देता हूं, एक हफ्ते के अंदर ही मैं उसका संबंध ठीक कर दूंगा, भला ब्याह की चिंता क्या है। पिता ने जिसके लिए इतनी बड़ी बात कह दी थी, उसके सिर पर तो मानो बिजली आ गिरी। बचपन से ही पार्वती की यह धारणा थी कि देवदा पर उसका कुछ अधिकार है। ये बात नहीं थी कि वो अधिकार किसी दूसरे ने उसके हाथ में दे दिया हो। पहले तो वो खुद भी इस भावना को ठीक तरह से नहीं समझ सकी थी। अज्ञात रूप से अशांत मन ने दिन पर दिन ये अधिकार इस तरह चुपचाप और मजबूती से लिया था कि बाहर हालांकि उसकी कोई सूरत अब तक आंखों के सामने नहीं आई थी, लेकिन उस अधिकार के छीनने की बात उठते ही उसके हृदय में जैसे एक भयंकर तूफान उठने लगा। देवदास के बारे में ये बात ठीक इसी तरह से नहीं कही जा सकती थी। बचपन में और कलकत्ता जाने से पहले तो वो पारों पर अपना अधिकार मानता था, लेकिन कलकत्ता जाने के बाद जैसे जैसे उसका मन वहां रमने लगा, पार्वती के प्रति ये भावना धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि पार्वती अपने उस सदा एक रस चलने वाले ग्राम्य जीवन में दिन रात केवल उसका ही ध्यान करती आ रही थी। वो ये तो सोचता था कि बचपन से ही जिसे वो नितांत अपना समझता चला आ रहा था और न्याय अन्याय सब तरह की जिदें जिसके ऊपर इतने दिनों से थोपता रहा था, यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसकी ओर से इस प्रकार अचानक पीछे फिसल पड़ना ठीक नहीं होगा। उसे ये आभास नहीं था कि बचपन के इस बंधन को आगे भी बनाए रखने के लिए विवाह ही एकमात्र उपाय था, लेकिन उस समय विवाह की बात कौन सोचता। कौन जानता था कि ये किशोर बंधन विवाह के अतिरिक्त और किसी तरह से चिरस्थायी नहीं रखा जा सकता था। ये संवाद कि विवाह नहीं हो सकता, पार्वती के हृदय की समस्त आशाओं और आकांक्षाओं को उसके कलेजे के अंदर से मानो उखाड़ फेंकने के लिए खींचातानी करने लगा। पारों की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, वो खोई खोई सी रहने लगी, लेकिन देवदास इस सब से अनजान था। सुबह सवेरे उसका लिखना पढ़ना होता था, दोपहर को बहुत गर्मी पड़ती थी, घर से बाहर निकलना नहीं हो सकता। बस तीसरे पहर ही अगर वो चाहता तो कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता था। इसी समय वो किसी दिन बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते पहनकर हाथ में छड़ी लिए बाहर निकलता था। देवदास घूमने जाते समय चक्रवर्ती परिवार के मकान के पास ही होकर निकलता था और पार्वती ऊपर खिड़की में से अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई उसे देखा करती थी। न जाने कितनी ही बातें उसे याद आती थी। उसे ख्याल आता कि अब दोनों बड़े हो गए थे, दीर्घ प्रवास के बाद अब मिलने जुलने में बहुत लज्जा होती थी। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया था। ये बात पार्वती की समझ में आ रही थी कि वो शर्माता था, इसलिए अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सका था। देवदास भी प्रायः इसी तरह सोचता था। बीच बीच में वो उसके साथ बातें कर लेता। उसे अच्छी तरह देखने की भी इच्छा देवदास के मन में होती, लेकिन फिर उसे ध्यान आता कि क्या ये अच्छा रहेगा। गांव में कलकत्ते जैसी धूमधाम नहीं थी, आमोद प्रमोद थिएटर गाना बजाना आदि कुछ भी नहीं था, इसलिए अक्सर उसे अपने बचपन की बातें याद आ जाया करती थी। वो सोचता कि वही पारो अब पार्वती हो गई है, पार्वती सोचती कि वही देवदास अब बाबू देवदास हो गया है। देवदास अब पहले की तरह चक्रवर्ती परिवार के घर नहीं जाता, किसी किसी दिन शाम के समय उनके आंगन में खड़ा होकर आवाज देता है, चाची क्या हो रहा है। चाची कहती, आओ बेटा बैठो। देवदास यूं ही कह देता, नहीं चाची रहने दो, जाऊं जरा घूम के आऊं। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन सामने पड़ जाती थी। देवदास चाची के साथ बातें करता था और पार्वती धीरे धीरे वहां से हट जाती थी। रात को देवदास के कमरे में रोशनी होती थी। गर्मियों की वजह से खुली हुई खिड़की में से पार्वती उस ओर अक्सर देर तक देखा करती थी, लेकिन वहां उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता था। पार्वती में हमेशा से स्वाभिमान की एक भावना थी, इसी कारण वो प्राणपण से इस बात की चेष्टा करती थी कि वो जो इतना कष्ट सहती है उसका किसी को तिल भर भी पता ना चले। और फिर किसी को ये बात जताने से लाभ ही क्या था, अगर कोई सहानुभूति दिखाएगा तो वो बर्दाश्त ना कर सकेगी, ऊपर से तिरस्कार और लांछना, सो उससे मर जाना ही अच्छा है। मनोरमा का अभी पिछले साल विवाह हुआ है, लेकिन वो अभी तक ससुराल नहीं गई है, इसलिए बीच बीच में घूमती फिरती आ जाया करती है। पहले दोनों सखियां बीच बीच में मिलकर प्रेम विवाह पसंद नापसंद के बारे में बातचीत किया करती थीं। अब भी उस तरह की बातें होती हैं, लेकिन पार्वती अब उन बातों में योग नहीं देती,
वो या तो चुप रह जाती है या बात ही बदल देती है। पार्वती के पिता कल रात को लौटकर घर आए हैं। कई दिन से वे पार्वती के लिए वर ठीक करने के लिए बाहर गए हुए थे। अब विवाह की सब बातें निश्चित करके घर लौटे हैं। उन्होंने लगभग 20-25 कोस दूर बर्दवान जिले के हाथीपोता गांव के जमींदार से पार्वती की शादी तय की है। उनका नाम भुवन चौधरी है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। उम्र 40 के आसपास है, 2-1 साल कम ही होगी। अभी पिछले साल उनकी पहली स्त्री का देहांत हुआ है, इसलिए वे अब फिर विवाह करेंगे। ऐसा नहीं था कि इस समाचार ने घर के सभी लोगों को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि वह दुख का कारण भी बना। फिर भी ये बात जरूर है कि भुवन चौधरी के यहां से कुल मिलाकर 2-3 हजार रुपए आ जाएंगे, इसलिए घर की औरतें चुप रहीं। एक दिन दोपहर के समय देवदास भोजन करने बैठा था। उसकी मां ने पास बैठकर कहा, पार्वती का ब्याह हो रहा है। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, कब? इसी महीने। कल लड़की को देख कर गए हैं, वर खुद देखने आया था। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं मालूम। तुम भला कैसे जानोगे? वर दुहाजू है, अवस्था भी अधिक है, लेकिन हाँ, रुपया पैसा काफी है, पार्वती सुख चैन से रह सकेगी। देवदास सिर नीचा करके भोजन करने लगा। उसकी माँ फिर कहने लगी, उन लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ ब्याह करें। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने हंसते हुए कहा, छी, भला ऐसा कहीं हो सकता है? एक तो वे लोग कन्या को खरीदने बेचने वाले, उस पर घर के पास रहने वाले। छी छी, ये कहकर माँ ने होंठ सिकोड़े। देवदास ने ये देख लिया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद माँ ने फिर कहा, मैंने तुम्हारे बाबूजी से भी कहा था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, तो फिर बाबूजी ने क्या कहा? वे और क्या कहेंगे, अपने इतने बड़े वंश की हंसी तो करा नहीं सकते, और यही मुझे सुना दिया। देवदास ने फिर कुछ न कहा। कल सुनिए उपन्यास देवदास का अगला अध्याय। धन्यवाद।